लायंस क्लब ऑफ भिलाई के द्वारा लायंस सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम एक संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस से जुड़े डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने न्यूरो सर्जिकल बीमारियों को लेकर फैली भ्रांतियों के लिए जागरूक किया, साथ ही उसकी जानकारी देते हुए बचाव के तरीके बताए। शुक्रवार को लायंस क्लब ऑफ भिलाई ने अपने लायंस परिवारों को न्यूरो सर्जिकल बीमारियों के बारे में जानकारी देने, साथ ही जागरूक करने के लिए और इसके उपचार और बचने के तरीके की जानकारियां देने के लिए एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस दुर्ग भिलाई के साथ मिलकर एक संवाद विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में लायंस परिवारों ने उत्सुकता पूर्वक न्यूरो डॉक्टर से न्यूरो सर्जिकल बीमारियों के बारे में बहुत से सवाल पूछे, जिनका उन्हें संतोषजनक जवाब भी डॉक्टरों की तरफ से दिया गया। इस बीच लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा एक संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टरों का स्वागत सम्मान भी लायंस क्लब के अनुसार किया गया। न्यूरो डॉक्टर ने भी एक संवाद कार्यक्रम की सराहना करते हुए ऐसे और कार्यक्रम करते रहने की गुजारिश लायंस क्लब ऑफ भिलाई से की है और ऐसे सभी कार्यक्रमों में खुद उपस्थित होने की बातें भी डॉक्टरों ने कही है। लायंस क्लब भिलाई के पूर्व अध्यक्ष एवं रीजन चेयरपर्सन लॉयन विपिन बंसल ने कार्यक्रम का संचालन बखूबी किया और लायंस क्लब भिलाई परिवार एवं डॉक्टर के बीच में संवाद करवाने में विशेष भूमिका भी निभाई। विपिन बंसल ने कार्यक्रम की जहां जानकारी दी तो वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने वाले डॉक्टरों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ये काफी दिनों से हमारे मन में विचार था कि जो न्यूरो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन होती है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे हेडेक हो, चाहे बैक पेन हो, इसको लेके एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया जाए। और इसके लिए हमारी बात हुई एसोसिएशन न्यूरो साइंसेस में जो अभी प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजन तिवारी सर, उनसे बात हुई और उन्होंने अपनी सहमति दी। और आज आप देख रहे हैं कि न्यूरो साइंसेस के जितने भी डॉक्टर्स हैं भिलाई के, वो सारे डॉक्टर्स आज यहाँ उपस्थित हैं। वो सारे डॉक्टर्स जिनसे मिलने के लिए हमको घंटों इंतजार करना पड़ता है ओपीडी में, वो सारे आज अपना समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। और लायंस क्लब भिलाई के सारे मेंबर्स को उन्होंने ये अवेयरनेस दी है, बताया है, समझाया है कि क्या क्या बीमारी, किस तरह की बीमारी होती है और उनसे किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल जी के उन बीमारियों से, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन में अवेयरनेस लाना ही है कि जैसा आपने देखा डॉक्टर साहब ने बोला कि सबसे बड़ी चीज़ होती प्रिवेंशन, कि किसी बीमारी को आने के पहले ही रोक लिया जाए। वो अवेयरनेस लोगों में नहीं होती है, जब बीमारी आ जाती है तो परेशान होते हैं। अगर बीमारी किसी वजह से आ भी गई है तो प्रिवेंशन को केयर कैसे करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में उसको कैसे आगे रिहेबिलिटेशन में जाना है हमको, और फिर उसके बाद भी कैसे हमको पूरी लाइफ उस बीमारी के साथ भी हम एक हेल्दी तरीके से बाकी लाइफ जी सकते हैं, ये अवेयरनेस हमको मिली है। आज लॉयंस क्लब तक ये जो एक संवाद है ये सीमित रहा जी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसको और भी, इस कार्यक्रम का वृहद रूप होना चाहिए, समाजों से जुड़ना चाहिए, संस्थाओं से जुड़ना चाहिए। जी हाँ, जरूर। ये तो एक शुरुआत है, आप जैसे जानते हैं लायंस क्लब भिलाई विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे वो प्रयास स्कूल हो, चाहे और बाकी चीज़ें हों, वृद्धाश्रम हो, इन सभी जगह हम काम कर रहे हैं। और बाकी जो अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, इसको ये एक शुरुआत है जैसा हमने बताया, और आगे चल के हम इसको बाहर सोसाइटी में भी इसको लेके जाएंगे और लोगों को, आज तो बहुत लिमिटेड क्राउड यहाँ पे, लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि वो कैसे बीमारी की आने से पहले ही उस बीमारी का बचाव कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सबसे इंटरेक्शन करके, और बहुत सारी जो जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूरोलॉजी के, वो चर्चा में हम लोग चर्चा किए और उससे संबंधित जो भ्रांतियाँ थी वो थोड़े दूर करने की कोशिश किए। बहुत सारे इंटरेक्शन हुए जिसमें लायंस क्लब के मेंबर्स ने पूछे और मेरे ख्याल से उसका निराकरण किया गया, तो इससे मेरे ख्याल से बहुत फायदा हुआ है। हमारा प्लान तो ऐसे ही है जिसे डॉक्टर राजन ने बताया कि समाज में लोगों के इसके अवेयरनेस बढ़ाने का, और जो भी न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियाँ हैं उसके बारे में जानकारी साझा करना, जो भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उन्हें बता के, उनको समझा के, इनको दूर करना, ये हमारा भी फिलहाल प्रयास है। तो अगर जो हम लोग सोच रहे हैं कि या तो सिटी में ही करते हैं या पास किसी गांव में जाके वहाँ पे हम लोग, ये संवाद एक सामाजिक ग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था लायंस क्लब के सहयोग से, न्यूरो साइंस क्लब ऑफ दुर्गे भिलाई, इन दोनों के सामंजस्य से ये कार्यक्रम किया गया। ये सिर्फ आगाज है, पहली बार हमने कार्यक्रम किया है और भविष्य में इस तरह के कई कार्यक्रम हम कई टॉपिक्स पे
जो डिजीजेस बहुत कॉमन है लेकिन हम उसको आउटरीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, लोगों तक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे सारे सीनियर न्यूरोसर्जन्स यहाँ पे हैं, उनके जितने अनुभव हैं वो साझा करते हैं। उस सारे अनुभव को हम चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचे, हम आम जनता तक डायरेक्टली पहुँचना चाहेंगे, पहुँचेंगे, ये भी हमारी कोशिश है भविष्य में। लेकिन हमने सोचा कि लायंस क्लब जो कुछ लायंस क्लब एक बहुत ही समाजसेवी संस्था है और इनकी समाज से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, हम चाहेंगे कि हमारी सारी बातें समाज तक पहुँचे। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, हम मीडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हमारी कोशिश है न्यूरो साइंस का और प्रोग्राम लगाई कि कोशिश है कि हम आम जनता तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो भ्रांतियाँ हैं न्यूरोसिस के बारे में, जो उन्हें जानना चाहिए, जिससे कि हम मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी मतलब जो बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग, उनकी जो मौतें होती हैं अनफॉर्चुनेटली, वो हम जितना रोक सकते हैं रोकने की पूरा प्रयास करें। इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहेंगे भविष्य में इस तरह कार्यक्रम हमेशा करते रहे। मैं डॉक्टर अजय तिवारी, मेंबर ऑफ न्यूरोसिस क्लब। देखिए भाई, बात जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी ट्रीटेबल हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ट्रीटेबल भी नहीं हैं, और ऑब्वियसली जो किसी हादसे की वजह से होती है, जैसे कार में एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो सभी ऑलमोस्ट ट्रीटेबल है, पर सबसे अगर सही समय से पेशेंट जो है हॉस्पिटल में पहुँच जाता है तो दोनों ही तरह की बीमारियां होती हैं। न्यूरोसाइंसेस में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। कंजेनिटल जो जन्मजात बीमारियां हैं वो भी 80-90% बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं। इसी तरह जो आदमी लाइफ में एक्वायर करता है वो बीमारियां भी काफ़ी समय से अगर पहुँचा दिया जाए, उसको इलाज प्रॉपर मिले तो ठीक हो जाए। नहीं नहीं, ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं, अगर सही डायरेक्शन में प्रॉपर इलाज मिले तो मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ जो हैं वो ट्रीटेबल हैं। लायंस क्लब भिलाई के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की बारंबारता है कि जिससे लायंस क्लब भिलाई के परिवार के अलावा आम जनमानस को भी न्यूरोसर्जिकल बीमारियों को लेकर जो भ्रांतियां है वह दूर हो सके। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।